नमस्कार, मैं मीना सती। अगर आपकी भी एज 40 की हो गई है तो आपको कुछ प्राणायाम, कुछ आसन स्टार्ट कर देने चाहिए जो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे। सबसे पहले आप लेट के मॉर्निंग वॉक कीजिए। जी हाँ, आप लेट कर भी मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। आपको जितना बेनिफिट मॉर्निंग वॉक से मिलेगा आधा घंटा, वो आपके 10 मिनट में ही मिल जाएगा। कैसे करने हैं मॉर्निंग वॉक लेट के, मैं आपको बताती हूँ। आपको इस तरीके से लेटना है, देन धीरे से अपने इस तरीके से अपने पैर के जो काफ्स हैं उसको टच करना है। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। देन उसके बाद हम इसमें साइक्लिंग करेंगे आराम आराम से, धीरे धीरे 10 टाइम्स प्लैने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन एंटी क्लॉकवाइज। 40 के बाद आपकी स्पाइन जो है वो जवाब देने लगती है, आपकी स्पाइन में पेन रहने लगता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप करेंगे डायनामिक क्रोकोडाइल पोज। इस तरीके से पेट के बल लेटेंगे। पेट के बल लेटने के बाद हाथों को इस तरीके से रखेंगे और धीरे धीरे ये आपको करना है। ये आपकी बैक को, लोअर बैक को बहुत ज़्यादा रिलैक्स देगा। और ये आपके करेंगे, अगर आपके लोअर बैक में पेन है, साइटी का पेन है या आपकी स्पाइन में पेन है, तो ये अगर आप करते हैं डायनामिक क्रोकोडाइल पोज, ये आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगा आपकी स्पाइन को और बहुत बेनिफिट देगा। ये आपको करना है 3 से 5 मिनट, बहुत ही आसान है। तीसरा आपको करना है मर्जरिया आसन। मर्जरिया आसन आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। जिसको लिकोरिया का प्रॉब्लम रहता है, वाइट डिस्चार्ज रहता है, उनको बहुत बेनिफिट देगा। इस तरीके से आपको वज्रासन में बैठना है, देन आगे की तरफ को अपने हाथ रखने हैं अपने शोल्डर के पैलर में, देन सांस को लेते हुए ऊपर की तरफ को देखेंगे और वहाँ पर होल्ड करेंगे। ये आपको रिपीट करना है 5 times। सांस को लेते हुए ऊपर की तरफ को जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे अपनी नाभि को देखने की कोशिश करेंगे। अगर जिसको थायराइड का प्रॉब्लम है उसमें भी मर्जरिया आसन बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, और जिसके बेली फैट कम करना है उसके लिए भी मर्जरिया आसन बहुत अच्छा है। स्पाइन के लिए भी मर्जरिया आसन को बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन से आपका जो टेंशन है, आपकी जो एंजाइटी आपको रहती है, आपका मन शांत होगा, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। ये रिलैक्सेशन पोज भी कहा जाता है इसे, शशांक आसन को। और फिर आप वज्रासन में इस तरीके से आ जाएंगे। देन उसके बाद आप करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के साथ साथ हम करेंगे शशांक आसन। इसे शशांक भुजंगासन बोलते हैं। ये 2 बेनिफिट आपको देगा, शशांक आसन का और भुजंगासन का। भुजंगासन आपके पेट के लिए, डाइजेशन इशू आपको रहता है उसके लिए, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, थायराइड के लिए, ये बहुत अच्छे अच्छे आसन हैं जो आप डेली कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।